नमस्कार अभिनंदन सभी साथियों का, स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से चैनल ज्ञानार्थ एकेडमी पर। सभी साथियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, और इस वर्ष जो 2024 का वर्ष है, इस वर्ष में आप जो है नौकरी प्राप्त कर लें, अपनी अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं स्वागत करता हूँ हमारे साथी श्री सुनील जांगीर का, जो कि बेसिक कंप्यूटर अधीक्षक के पद पर चयनित है। और साथ ही आज हम आप लोगों के लिए इनको इसलिए लेके आए हैं ताकि देखिए, जब मैं इस वीडियो को बनाने की प्लानिंग कर रहा था तब मैंने सोचा कि क्यों ना हम किसी ऐसे साथी को लेकर आए जो इस पूरे फेज से गुजरा हो। बेसिक कंप्यूटर अधीक्षक की जो भर्ती 2021 में जारी हुई थी, उस भर्ती के अधीन जो है वो गुजर कर उस सफलता को प्राप्त किया हो, उनसे आपको परिचय कराकर उन्होंने जो अनुभव किया उस अनुभव से आपको लाभान्वित कर सके, इसीलिए मैंने सर को उपलब्ध करवाया है आपके लिए। और साथ ही हम ये चाहेंगे कि कंप्यूटर अधीक्षक से जुड़े हुए अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं, उनके सभी सवालों का जवाब इस छोटे से सेशन में हम दे पाए। अभी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने साथी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कंप्यूटर अधीक्षक की तैयारी करना चाहता है या वो करने का इच्छुक है। चलिए शुरू करते हैं। श्री सुनील जागीर, मैं आपको बता दूं, ये अभी कंप्यूटर अधीक्षक पद पर कार्यरत हैं, इनको जिला आवंटन हो गया और जल्द ही जो है इनको नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। ये फेज टू वाले हैं, मतलब फेज फर्स्ट के अंदर जो नियुक्ति से वंचित रह गए थे उनको अब फेज टू के अंदर नियुक्ति दी जा रही है। तो मैं स्वागत करता हूँ सुनील जागीर जी का, जो कंप्यूटर अधीक्षक पद पर कार्यरत है। सुनील जागीर, नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुनील जागीर है और मैं एज अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर अभी पाली जिले में पोस्टेड हूँ। और मैं धन्यवाद चाहूंगा कि सर ने मुझे यहाँ पे बुलाया है और आज मैं आपके सामने बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के बारे में पूरी जानकारी रखूंगा। और उससे पहले मैं आपको सबको वसंत पंचमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो आगे हम सर के साथ मिलके इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? नहीं नहीं चल रहा, मैं काट दूंगा। धन्यवाद सुनील। अच्छा, आज हम जो है एक छोटा सा एक तरीके का इंटरव्यू सेशन लेने वाले हैं इनका, ताकि आपके जितने भी सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं इस वैकेंसी के बारे में, उसके बारे में हम जो है आपको सूचना दे सके। देखिए, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, पहले तो कि सिलेक्शन की जो रणनीति है वो क्या होने वाली है, क्योंकि ये सिलेक्टेड है और इन्हें उस रणनीति से या उस रणनीति का पूरा अनुभव है, उस अनुभव का फायदा आज हम उठाने वाले हैं। साथ ही हम योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे कि योग्यता क्या रहती है, आयु सीमा क्या रहती है, इसके अंदर वेतन कितना होता है, पाठ्यक्रम क्या रहता है और पद कितने पिछली बार आए थे और इस बार आने की पूरी संभावना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि किसी भी भर्ती में अगर पदों की संख्या ठीक ठाक होती है, थोड़ी अधिक होती है, तो आसानी से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो पद बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे कि नए नियम से जो हमारे आगामी कंप्यूटर अधीक्षक की भर्ती आएगी उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, या पिछली बार क्या गलतियां रह गई उनको इस नए नियम के दौरान सही कर दिया गया है, या अब जो पिछली बार वाली समस्याएं जैसे कोर्ट केस वगैरह आ रहे हैं उससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, इन सारी चीजों को नए नियम में जो आपको फायदे हुए उन पर भी चर्चा करेंगे और जो नुकसान हुए उन पर भी चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं और बढ़ते हैं सबसे आगे, कंप्यूटर अधीक्षक पदों की बात करें और सबसे पहले हम बात करेंगे पदों की। तो मैं सुनील से चाहूंगा कि कौन कौन से पद होते हैं एक बार बताएं, और किस व्यक्ति को जो तैयारी करने वाला है, दोनों में से कौन से पदों की तैयारी करना ज्यादा उपयुक्त रहेगा या दोनों की एक साथ करना उपयुक्त रहेगा, इसके बारे में चर्चा दे एक बार सुनील बताएंगे आपको। सर, इसके अंदर दो पद होते हैं जो कि शिक्षा विभाग ने सर्जित किए गए हैं, उसमें एक होता है BCI, एक होता है SCI। जो BCI होता है वो बेसिक कैटेगरी के अंदर आता है और जो SCI होता है वो सीनियर कैटेगरी के अंदर आता है। ये दोनों पद हैं जो एज अ कंप्यूटर टीचर के तौर पर गिने गए हैं, और इसके अंदर जो है ये है जो एक जो होता है बेसिक लेवल का है और ये वाला है वो सीनियर लेवल का है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही शिक्षा विभाग के पद हैं। किसके हैं? शिक्षा विभाग के। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप इस भर्ती में चयनित हो जाएंगे, सिलेक्टेड हो जाएंगे, तब आपको किसी ना किसी शिक्षा विभाग के जो ऑफिस है, या हम कहें शिक्षा विभाग के जो स्कूल्स हैं उसमें नियुक्ति दी जाएगी। जैसे हम बात कर लें बेसिक कंप्यूटर अधीक्षक की, तो शिक्षा विभाग में जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, NEP जो है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि प्रत्येक विद्यालय
जिले में जो है एक कंप्यूटर टीचर का पद होगा। तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग में बेसिक कंप्यूटर निदेशक और सीनियर कंप्यूटर निदेशक, जिसको हम बीसीआई और एसीआई प्लेटफॉर्म में बोलते हैं, इन दोनों के पद सृजित किए गए हैं। और ये वैकेंसी बहुत ही जल्दी 2024 में, अभी हमने देखा कल जो है एलडीसी की भर्ती जारी कर दी गई, महिला सुपरवाइजर की भर्ती जारी कर दी गई, उनकी एग्जाम डेट दे दी गई है और उसके साथ उनका नोटिफिकेशन भी आ गया है। और उसके साथ जो हमारे पशु परिचर वाले अभ्यर्थी थे जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं और इंतजार कर रहे थे डेट का, उनको भी सितंबर की डेट दे दी गई है। तो जल्द ही ये भर्ती भी जारी होने वाली है। मैं कारण भी बताऊंगा कि क्यों जारी होने वाली है और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इस भर्ती में इस बार आपको क्या फायदा होने वाला है। देखिए पिछली बार जो गलतियां हुई, चाहे बोर्ड से मान लें हम, क्योंकि बोर्ड की बहुत बड़ी गलती थी कि जो सिलेबस दिया गया था उस सिलेबस से हटकर प्रश्न पूछे गए, या सिलेबस का स्तर जो है जो दिया गया था उससे कई गुना जो है स्तर का पेपर पूछ लिया गया, जिस वजह से बहुत बहुत कम अभ्यर्थी प्राप्त हुए इसमें। तो निश्चित रूप से अब जो है ये गलतियां नहीं होगी, सरकार जो है इस पर थोड़ी अडिग है। फिर भी मैं चाहूंगा कि अब क्या जो है रणनीति रहनी चाहिए इन दोनों पदों के लिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे सुनील के साथ। सुनील सर, इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा कि जो बोर्ड की जो बहुत बड़ी गलती थी कि बोर्ड की जो बहुत बड़ी इसके अंदर ये गलती थी कि इन्होंने ऐसा करा कि सिलेबस जो दिया था, जो इन्होंने सिलेबस दिया था वो दिया था पार्ट वन, पार्ट टू, जो कि मैं आपको भी अगली स्लाइड के अंदर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये है अपना पेपर, पेपर फर्स्ट, जो इसके अंदर पेपर फर्स्ट था बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर, इन्होंने ये बताया था कि 100 मार्क्स के हैं, 2 घंटे के अंदर हैं, और ये जो 100 मार्क्स हैं, बट इन्होंने एक जो 40% का क्राइटेरिया यहाँ पे था उसके अंदर ये इन्होंने बताया नहीं था, जो कि अभी नए नियम संशोधन के अंदर इन्होंने बताया है सर। देखिए अगर आप पिछले वर्ष 2021 का इसका नोटिस उठा के देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसका जो परीक्षा पैटर्न स्कीम जो है, पाठ्यक्रम जो है, उसमें इन्होंने ये तो कह दिया कि 2 घंटे का पेपर होना है, ये भी कह दिया कि 100 मार्क्स का होना है, ये भी कह दिया कि 100 क्वेश्चन आएंगे, बट ये कहीं नहीं कहा गया कि आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं। इसी कारण से जो अभ्यर्थी एग्जाम देने वाले थे उन्होंने जो है एक तरीके से उस चीज का ध्यान नहीं रखा और आखिरी में जब रिजल्ट जारी हुआ तब ये 40% का नियम ये जो बता दिया। 40% ये जो खामियां जाए ये ज्यादातर भर्तियों में अभी भुगतना पड़ रहा है स्टूडेंट को। और मैं इसके आगे और आपको बताना चाहूंगा कि जो इन्होंने जीके का था एक पैटर्न इसके अंदर, जो कि राजस्थान से रिलेटेड थी, बट इन्होंने क्या करा कि इसके अंदर इनकी जो प्रॉपर विवरण था वो नहीं दिया था, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्या आएंगे, उसके अंदर एक रीजनिंग थी, एक ये प्रॉब्लम थी डीआई, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी थी, ये 10th लेवल की थी और डीआई थी। इसमें भी इनका जो स्तर था वो 10th लेवल से बढ़ के इन्होंने हाई कर दिया था। चकुल मिलाकर हम देखें इन्होंने सिलेबस की जब विस्तृतीकरण किया फर्स्ट पार्ट का, तब उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं बताया कि रीजनिंग के इतने क्वेश्चन आएंगे, जीके के इतने क्वेश्चन आने हैं। इन्होंने जो पेपर का जो हम कहते हैं ना एक तरीके से जो संतुलन है वो बिगाड़ दिया और किसी पार्ट को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया और किसी पार्ट में बहुत कम प्रश्न, जबकि अभ्यर्थी जब तैयारी करता है तो हर एक पार्ट को अच्छे से पढ़ता है और वो चाहता है कि लगभग लगभग सभी पे समान समान प्रश्न पूछे जाएं, परंतु यहाँ पर ऐसा फॉलो नहीं किया गया। उसके अलावा यहाँ पर जो हम रीजनिंग के अंदर देख रहे हैं, अगर आप पुराना पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 10th लेवल से ऊपर के प्रश्न पूछे गए हैं रीजनिंग के, 10th लेवल का जो प्रश्न पत्र का स्तर होता है उससे कई ज्यादा ऊपर कर दिया गया स्तर। इस वजह से ये जो हम कह रहे हैं ना 40% वाला जो नियम है, पहले तो इन्होंने विज्ञप्ति में बताया नहीं, फिर इसके बाद लागू कर दिया, जबकि स्तर अधिक होने के कारण जब शुरुआती वैकेंसी के अंदर देखें तो बहुत कम अभ्यर्थी इसके अंदर प्राप्त हुए उनको, मतलब अगर हम देखें तो केवल 30% अभ्यर्थी प्राप्त हो रहे थे इनको। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने कुछ प्रश्नों को डिलीट किया, कुछ एक के आंसर चेंज किए, जिस वजह से कुछ अभ्यर्थी और 40% के अधीन आए और लगभग लगभग हम अगर चर्चा कर लें तो ये देखिए मैं हमने निकाल के भी रखा है आप लोगों के लिए कि ये देखिए देखिए शुरुआत में जो वैकेंसी थी वो लगभग 9,800 पदों के लिए बीसीआई की और एससीआई की जो वैकेंसी थी वो 295 पदों के लिए जारी की गई। इन दोनों ही वैकेंसियों में जो शुरुआत के अंदर हम देखें तो करीब यहां पर केवल 30% पद ही प्राप्त हुए या अभ्यर्थी योग्य अभ्यर्थी प्राप्त हुए जिनके अंक जो थे वो 40% से अधिक थे। कितने थे? 40% से अधिक।
फिर उन्होंने कुछ चेंजेस किए, तब जाके इनको 6,550 अभ्यर्थी मिले, और उसके बाद सेकंड फेज में मतलब कुछ आंसर चेंज करने के बाद 580 अभ्यर्थी और प्राप्त हुए। तो कुल मिलाकर जो 10,000 की भर्ती थी उसमें केवल और केवल 7,000 अभ्यर्थी ही इनको प्राप्त हुए। और इन अभ्यर्थियों में मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो बीटेक थे, जो लाखों का, जो हम कहते हैं ना बीटेक थे, और जो लाखों का पैकेज छोड़कर इस वैकेंसी में लगे थे, उन्होंने इस वैकेंसी को ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी छोड़कर चले गए, किसी का कोई अन्य जगह पे सिलेक्शन हो गया। इस वजह से आज अगर हम देखें तो मोटा मोटा केवल 5,000 या हम कहें 5,500 अभ्यर्थी ही इसमें नौकरी कर रहे हैं, बाकी ये जो 10,000 पद थे उसमें से लगभग 4,500 से 5,000 पद आज भी खाली हैं। आगे हम देखेंगे SCI, इसमें 295 पद आए थे, जी हालांकि पद भी कम है तो इसमें इतना कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुश्किल से अगर हम बात करें तो 250 के आसपास लोग इसमें काम कर बट रहे हैं। सर, मैं आपकी एक बात बोलना चाहूंगा कि जो BCA का जो पेपर का लेवल था, इन्होंने जो चेंजेस कैसे करे कि BCA के पेपर के तो लेवल को इन्होंने बना लिया हार्ड, और जो SCI का पेपर का लेवल था वो इन्होंने बना दिया इजी, ताकि इसके अंदर अधिक सेलेक्टेड हो और इसके अंदर कम सेलेक्टेड हो। मैं आपको बताना चाहूंगा इस जगह कि BCI के अंदर तो इन्होंने हार्ड बना दिया और इसका बना दिया इजी। इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि इनको इस जगह जो ये पद थे इनको प्रॉपर जो पेपर बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग नहीं भरे गए हैं, और जो SCI था वो क्योंकि इसके अंदर पोस्ट भी कम थी तो इसकी वजह से इसने पेपर भी इजी था, और तो इस वजह से सारी पोस्ट भर गई। तो इसकी जो कट ऑफ थी SCI की वो तो गई 50, बट BCI के अंदर इनकी 40% कट ऑफ गई, और इनको अभी भी इसके अंदर पूर्ण रूप से पद खाली है। देखिए देखिए कितना बड़ा लोचा है। SCI मतलब सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, मतलब जिनका स्तर भी ऊपर होगा, जिनका पेपर भी ऊपर आना चाहिए, परंतु उनका पेपर तो बना इजी, और जो BCI बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर थे उनका पेपर बना हार्ड। इस वजह से देखो यहाँ 40% वाले अभ्यर्थी भी प्राप्त नहीं हुए, जबकि यहाँ पर जो मेरिट गई वो 50% के आसपास गई, तो ये समस्या थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार जो है ये अभ्यर्थियों को लेकर थोड़ा ज्यादा सीरियस है। अभी जैसे हमने जूनियर अकाउंटेंट का पेपर देखा, बहुत ही कम प्रश्न ऐसे थे जिन पर कोई विवाद हो रहा है या चेंजेस होने की संभावना है, और आसानी से ये एग्जाम जो है निपटने वाला है। तो कुल मिलाकर अब जो वैकेंसी आएगी उसमें ये संभावनाएं जताई जा रही है कि जो लेवल बताया जाएगा उसी लेवल के प्रश्न आने वाले हैं। चलिए इसके अतिरिक्त चर्चा कर लेते हैं हम लोग, इसके अतिरिक्त चर्चा कर लेते हैं कि अधिकतम किस स्ट्रीम से लगे, मतलब जो पिछली वैकेंसी थी उसमें जो तीन स्ट्रीम्स हैं, एक है PGDCA वाला, जो सिंपल ग्रेजुएशन का व्यक्ति जो होता है वो 1 साल की PGDCA करके इस वैकेंसी को दे सकता है। उसके बाद बीटेक वाले जो थे, क्योंकि बीटेक कंप्यूटर साइंस में होती है, या बीटेक में कुछ ऐसा सब्जेक्ट होते हैं जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, उनको भी अलाउ किया जाता है। और उसके बाद BCA, क्योंकि BCA होती ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, तो इससे जुड़े हुए लोग, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि इन वैकेंसी को उन्होंने दिया है तो इनको ज्यादा जानकारी है, कि क्या किस स्ट्रीम वाले लोग ज्यादा लगे, और इस बार क्या संभावनाएं बन रही है, कौन व्यक्ति जो है ज्यादा इसके अंदर लग सकते हैं। मैं तो बताना चाहूंगा आपको कि जो PGDCA था इसके अंदर 400 से लेके 500 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि ये जो था टोटल 10,000 में से, टोटल 10,000 में से, और बीटेक था तो इसके अंदर अप्रोक्स 5,000 के अंदर, या फिर यूँ मान लो आप कि 5 से 5,500 के अंदर प्रॉपर बीटेक वाले ही थे, और BCA के अंदर थे वो भी 400 से 500 के अंदर सेलेक्ट हुए थे। उसका एक बहुत बड़ा कारण था, ये बता देता हूँ मैं आपको, कि जो एक तो बीटेक होल्डर थे जो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम थी उसको अलाउ कर दिया गया था, अच्छा ना कि वो वो एलिजिबल थे नहीं बट उनको अलाउ किया गया था, और एक PGDCA थे उसके अंदर ये जो खुद के सब्जेक्ट से नहीं है, एटलीस्ट उन्होंने जो ग्रेजुएशन कर रखी थी अदर सब्जेक्ट से, लेकिन 1 साल का डिप्लोमा करके वो आ गए थे, इसलिए इन्होंने इतने कम बच्चे सेलेक्ट हुए और इसके अंदर भी इतने कम बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। बट यहाँ पर देखा जाएगा बीटेक के अंदर जो कि CS IT और इलेक्ट्रिकल को अलाउ किया गया था, इसलिए उन्होंने ज्यादातर जो भी हैं वो इसी से सेलेक्ट हुए हैं। अच्छा तो कुल मिलाकर हम बात करें बीटेक वाले सिलेक्ट होने का कारण क्या था, तो आपको पहले ही पता है कारण, क्योंकि पेपर का स्तर थोड़ा बड़ा कर दिया गया, ऊंचा कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से बीटेक वाला जो देखिए जो होता है वो मैथमेटिक्स रीजनिंग में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रीजनिंग और मैथमेटिक्स का पार्ट है और रीजनिंग का बहुत बड़ा पोर्शन आया हुआ है, तो बीटेक वाला इसमें क्वालिफाई कर गया। उसके साथ ही बीटेक वाला जो है वो थोड़ा टेक्निकल, जैसे तो वो गेट वगैरह की तैयारी करते हैं तो टेक्निकल कंप्यूटर से रिलेटेड ज्यादा होते हैं, इस वजह से यहाँ पर पेपर का स्तर ऊंचा होते हुए भी अधिकतम जो लोग लगे हैं
वो बीटेक वाले लगे हैं। जैसे मैं, मेरी जानकारी में जितने भी कंप्यूटर सेक्टर को जानता हूँ, उसमें लगभग लगभग 80% ही बीटेक वाले ही अभ्यर्थी हैं, जो कई सालों से बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, कई सालों से कंप्यूटर फील्ड से जुड़े हुए हैं, उस वजह से बीटेक वाले। पर क्या अब क्या संभावनाएं बन रही है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें, कि क्या कोई एक सामान्य अभ्यर्थी है जो पीजीडीसीए किया हुआ है, मान लीजिए बीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, और उसने 1 साल का पीजीडीसीए कर लिया या करने वाला है, क्या वो इस वैकेंसी के अंदर अपना स्थान प्राप्त कर सकता है, या इस बार क्या रेशियो रह सकता है? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पीजीडीसी है, जी जो कि एक ग्रेजुएशन के साथ के अंदर 1 ईयर का कोर्स होता कोर्स है, होता है, बिल्कुल ठीक है सर। और जो बीटेक होता है वो कि 4 ईयर कोर्स है, ठीक है। और सर बीसी होता है वो 3 ईयर कोर्स है। तो सर मैं ज़्यादातर, मैंने ये देखा है कि जो ग्रेजुएशन के साथ में, जो कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ग्रेजुएशन के ज़्यादा है, मतलब तो अगर हम उनके साथ देखें में तो ज्यादा लोग अगर फॉर्म भरे, अगर फॉर्म का रेशियो निकाले हम, तो ज्यादातर लोग पीजीडीसीए वाले मिलेंगे। बीसीए और बीटेक एक लिमिटेड सीटें होती है यस या सर लिमिटेड लोग होते हैं, बट यहाँ पर पीजीडीसीए वाले, क्योंकि सामान्य अभ्यर्थी भी आजकल एडिशनल कोर्स करके कंप्यूटर सेक्टर में अपनी तैयारी कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये लोग ज्यादा होते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है आपको कि कौन बन सकता है ज्यादा इनमें से? सर, चांसेस तो ये है कि ये, क्योंकि ये टेक्निकल डिग्री है, तो सर टेक्निकल डिग्री के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट ये है कि ये भी ट्राई कर ही रहे हैं, जो पीजीडीसी है, जो कि जो अभी जस्ट लेटेस्ट के अंदर आईए की भर्ती हुई है सर, उसके अंदर ज़्यादातर पीजीडीसी वाले हैं। बीटेक को उसमें ना अलाउ नहीं था इलेक्ट्रिकल को, बिल्कुल। इसलिए वो आए नहीं थे, बट पीजीडीसी के ज़्यादा चांसेस हैं। तो कुल मिलाकर हम बात करें कि हमारे जो पीजीडीसी वाले साथी हैं, जो सिंपल बीए करके या सिंपल आर्ट से जुड़े हुए हैं, कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं, वो भी इसमें, क्योंकि अब पिछले वाली गलतियां नहीं दोहराई जाएगी। सबको पता है कोर्ट बड़े सजग है, पिछली वाली वैकेंसी बहुत समय तक कोर्ट के अंदर रही है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो पेपर का लेवल है वो भी मुझे लगता है नीचे गिरने वाला है। और जो कंप्यूटर से रिलेटेड लोग हैं उनको तो निश्चित रूप से फायदा होगा ही, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड आता है, परंतु फिर भी हमारे जो पीजीजीसी वाले साथी हैं उनका भी, उनको भी अच्छा मौका मिलने वाला है। उसके साथ बीटेक को तो मौका मिलेगा ही, क्योंकि पिछली वैकेंसी में भी अलाउ किया था, इस बार भी उनको अलाउ किया जाएगा, तो निश्चित रूप से जो पीजीसी और बीटेक वाले हैं उनका दबदबा ज्यादा रहेगा, बीसीए वालों का भी रहेगा, बट बीसीए वाले क्या करते हैं, पार्ट फर्स्ट के अंदर थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, इस वजह से इनका थोड़ा रेशियो जो है वो कम मिलता है। यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में भी लोग मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पार्ट सेकंड उनका बहुत मजबूत होता है, और पार्ट फर्स्ट के अंदर ये लोग मेहनत कर ही रहे हैं, और साथ में बीसीए वाले दोनों में ही मेहनत करके सिलेक्शन प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसा कुछ नहीं है कि केवल बीटेक वाला ही नौकरी लगेगा या बीटेक वाला ही इस बार नौकरी लगेगा, पिछली बार कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, इस वजह से इन लोगों का ज्यादा नाम आया या नंबर आया। अब हम बात कर लेते हैं पदों की, कि कितने पद आने वाले हैं। अगर हम पदों की तैयारी की बात करें, कि ये संभावित पदों की बात कर लें, तो आज अगर वैकेंसी जारी होती है तो कितने पद आने वाले हैं? जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पद है, कुल मिलाकर जो हम भारत की जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू किया जा रहा है, 2030 तक लगभग पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा, तो 2030 तक इनको पूर्ण रूप से सभी जो इन्होंने प्रावधान किए वो पूरे करने हैं, उसी के संदर्भ में धीरे 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 एक एक प्रावधान कर रहे हैं, तो कंप्यूटर शिक्षक का पद भी इसी के अधीन आता है। तो हम अगर मोटा मोटा देखें तो कितने पद आ सकते हैं, और जो तैयारी करने वाले हैं उनको उन पदों को लेकर क्या आशाएं रहेगी, वो देख एक बार आप बता दें। सर, मैं संभावित पद के लिए बताना चाहूंगा कि आपको जो SCI है और BCI है, सर BCI के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अप्रोक्स जो है, जो सी पिछली पिछली बार जो आई थी 259 पोस्ट पे आई पोस्ट आई थी, थी, हाँ तो इस बार जो चांसेस हो रहे हैं सर वो 500 के हो रहे हैं सर, मतलब 500 पद आने की 500 पद के संभावना आने है। की जी संभावना है। और सर BCI के अंदर जो पिछली बार जो रिक्त रह गए थे और जो लगभग नए पोस्ट है, चार साढ़े 4,000 पद पिछली चार साढ़े वैकेंसी चार खाली है। हाँ सर, तो इसका एक जो अप्रोक्स अंदाजा बैठ रहा है वो सर 5,000 का बैठ रहा है, अच्छा, 5,000 पद तो पुराने जो लगभग हैं, वो खाली है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो वो उसके अंदर और एड ऑन कर और सकती है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो करीब ये 5,000 से लेकर 6,000 की टोटल वैकेंसी आ सकती है बीसीआई और एससीआई मिलाकर, तो मान के चलिए, क्योंकि देखिए 5,000 में से 4,500 पद तो लगभग पिछले वर्ष के ही खाली हैं, जो पिछली वैकेंसी थी उसी के खाली हैं, उसको जोड़ें और कुछ नए उसके लिए रेज हुई है उन सभी को जोड़ लें, कुछ नए पद सृजित हुए उन सभी को जोड़ लें, तो लगभग 6,000 पद, 5 से 6,000 पदों के बीच में विज्ञप्ति आवश्यक रूप से जारी होगी। पिछली बार आप किसी कारण से रह गए थे तो उस कारण को समझे, उसको दूर करने की कोशिश करें, और साथ में, क्योंकि देखिए सभी कहते हैं कि जो समय से तैयार हो जाता है
वही सफलता बहुत जल्दी प्राप्त करता है। तो अभी बहुत समय है आपके पास, अगर आप किसी वैकेंसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, या आपका पर्टिकुलर फील्ड जो है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, या आप किसी बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी है, मैथमेटिक्स आपकी बहुत अच्छी है, थोड़ी सी आप राजस्थान जीके अगर अच्छी से तैयार कर लें, करंट वाला पोर्शन तैयार कर लें, तो निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। अपने आप में, क्योंकि देखिए हमारे हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 70,000 पदों की घोषणा की गई है हमारे इस बजट में, जो इसी वर्ष लिए जाएंगे, 2024 वाला जो बजट है उसी में लिए जाएंगे, और उसी के अंदर ये वैकेंसी भी आने वाली है। और सबसे अच्छी बात मुझे इस बात अभी जो लग रही है वो ये लग रही है कि एक साथ सारी वैकेंसियां नहीं निकाल रही है, ये एक-एक निकाल रहे हैं। इसका मतलब है जैसे महिला सुपरवाइजर और उसके बाद जो हमारा एलडीसी वाली वैकेंसी अभी जारी हुई है वो निकली है, इसके बाद कोई दूसरी वैकेंसी आएगी, उसके बाद तीसरी आएगी, इस प्रकार से इनका निकालने की योजना है। तो कुल मिलाकर इस वैकेंसियों के बाद आपको आराम से 6 से 8 महीने का समय मिल रहा है, पद भी अच्छे खासे हैं, 70,000 की घोषणा हुई, तो निश्चित रूप से वो 70,000 शिक्षा विभाग में इसके पद भी आने वाले हैं। तो तैयारी करने वाले जो साथी हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो भी तैयारी करते। एक बार मैं सुनील से जरूर पूछना चाहूंगा, जब तुमने इसकी तैयारी प्रारंभ की तो क्या तुम इस फील्ड से जुड़े हुए थे, या तुम्हें ऐसा कभी लगता था कि मैं कंप्यूटर निदेशक की तैयारी करूंगा या मुझे ये पद चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा विभाग का पद है, आपको जाके स्कूल के अंदर क्लासे लेनी है, तो क्या कभी तुमने सोचा था कि ऐसा कभी होगा, या तैयारी करते वक्त किस चीज को तुमने ध्यान में रखा और अपनी योजना कैसे बनाई? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जो टेक्निकल कोर्स कर रखा था, जो BSc IT कहलाता है, बिल्कुल सर BSc IT है जो कंप्यूटर फील्ड का ही कोर्स है। बिल्कुल तो मुझे जब इसकी घोषणा भी नहीं हुई थी, जब SCI और BCI की, तब मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और जब मैंने ये चीज़ सोच ली थी कि मुझे कुछ भी करके जो BCI के जो पोस्ट है, क्योंकि मैंने मास्टर डिग्री नहीं कर रखी है। आपको बता दूं कि SCI के लिए आपको MCA की आवश्यकता पड़ती है, मास्टर डिग्री की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सीनियर पद है सीनियर ये L10 का पद है। जब हम पे मैट्रिक्स की बात करते हैं ना, वेतन की बात करते हैं, तब आपको बताऊंगा कि SCI जो है वो L10 का है और BCA जो है वो L8 का पद है। L8 क्या होता है, हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको जो जो वेतन मिलता है, तो एक पे मैट्रिक्स लेवल राजस्थान सरकार द्वारा घोषित किया गया, उस पे मैट्रिक्स में जो लेवल होते हैं, जैसे L8 का है तो उसका वेतन थोड़ा कम होगा, L10 का है तो उसका वेतन थोड़ा ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से ये चूंकि सीनियर पद है तो ये M.Tech डिग्री हम के मास्टर डिग्री के बाद ये प्राप्त किया जा सकता है, और ये चूंकि जूनियर पद है तो आप जो है ग्रेजुएशन वाली जो डिग्री है उसके माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, जब तुमने मतलब इसके बारे में सुना नहीं था, उससे पहले ही तैयारी प्रारंभ यस कर सर, दी। जब इसके अंदर ऐसा हुआ था कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, उसके बारे में जब अखबार में और जब न्यूज आने फैलने लगी लगी, थी, हाँ तब मैंने ये देखा था कि जब एज अ कंप्यूटर टीचर के, जो सर थोड़े दिन पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यायालय के अंदर भी इसके अंदर केस किया गया था कि हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मेरे को ये जो कंप्यूटर चीजें चाहिए, तब मैंने सोचा था कि ये पोस्ट आ सकती है और इसके बारे में चर्चा होने लग गई थी। बिल्कुल तो मैंने ये चीज, इसकी तैयारी करने के लिए मैंने ठान लिया था कि मैं इसकी तैयारी करूंगा। और इसके बारे में बताना चाहूंगा कि सर, जो सीनियर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, तो मैं बताना चाहूंगा कि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर जो होता है कि सर, जो लेवल थोड़ा सा डाउन होता है, और जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर होता है उसके अंदर थोड़ा सा लेवल अप होता है। ताकि मैंने MSc डिग्री कर नहीं रखी थी, मैंने केवल BSc कर रखी थी, क्योंकि एक मास्टर डिग्री नहीं है। तो इसके अंदर था जो लेवल थोड़ा सा डाउन था। और सर, इसके सिलेबस की जो मैं चर्चा करना चाहूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये ध्यान में रखा कि जो सिलेबस था, वो सिलेबस को देख के ही मैंने इसकी चर्चा करी थी। तो सर, मैं एक क्योंकि बार BCA का सिलेबस और इसका जो सिलेबस है, जो इस वैकेंसी का सेकंड पार्ट वाला जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है उसका सिलेबस है, लगभग लगभग सिमिलर है। तो इन्होंने जो है उस तैयारी के समय उस सिलेबस को, पाठ्यक्रम को देखा, और अपने पाठ्यक्रम क्योंकि BCA कर चुके थे तो उसको देख कर इन्होंने BCA की या BCI की तैयारी प्रारंभ की। ठीक है, अब क्योंकि देखिए अभी भी समय है, आप भी इनकी तरीके से ही, जैसे इन्होंने पद आने से पहले, विज्ञप्ति जारी आने से पहले, न्यूज आने से पहले तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तब ये इस पद पर चयनित होकर आज बैठे हैं। तो मैं भी आपको चाहूंगा कि अभी देखिए कोई न्यूज नहीं है, या हम कहें कि अभी संभावनाएं जताई जा रही है कि ये वैकेंसी आएगी, जो 100% आनी तय है, ये तो तय मान के चलिएगा, आज नहीं तो कल ये वैकेंसी आना तय है, सरकार को निकालनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो निश्चित रूप से जब ये वैकेंसी आने वाली है तो क्यों ना हम समय से अपनी तैयारी प्रारंभ कर लें, क्यों ना हम समय से जो है इसको सिलेबस को देखना, सिलेबस को पढ़ना प्रारंभ कर लें, ताकि जब वैकेंसी जारी हो तब आप तैयार हो, दूसरे लोगों से आगे हो, एक कदम आगे हो, और जब सिलेक्शन हो तब भी आप उनसे आगे
प्राप्त हो। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो समय से तैयारी करना बहुत प्रारंभ बहुत महत्वपूर्ण भी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर योग्यता क्या क्या रहती है, बीसीआई के पद के लिए क्या योग्यता रहती है, और एससीआई जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है इनके लिए क्या योग्यता रहती है। सुनील आपको अवगत कराएंगे इससे। जी सर, मैं बीसीआई जो जो कि मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक है, और जो सीनियर कंप्यूटर तक जो कि सीनियर है, तो मैं इसके अंदर बताना चाहूँगा सर, इसके अंदर जो कि ग्रेजुएशन की डिग्री होती है बीसीए, बीएससी, आईटी और इसके अंदर पीजीडीसीए, जो कि एक साल का कोर्स होता है, और इसके साथ में कोई भी ग्रेजुएशन हो, और बीटेक के अंदर सर सीएस, आईटी, इलेक्ट्रिकल और ईसीई। और जब मैं आपको सीनियर की बात बताना चाहूँगा सर, एमसीए, एमएससी और इसके साथ में एमएससी आईटी या फिर एमएससी सीएस हो, एमटेक हो, एमटेक भी सर उसके अंदर सीएस और आईटी के अंदर होना चाहिए, और या फिर इसके अंदर जो भी सर इसकी जो रिलेटेड डिग्री है जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक और बेसिक के अंदर कर रखी है, वही सर आपको मास्टर्स के अंदर चाहिए सर ये। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो एक तो एमसीए वाला जो कंप्यूटर फील्ड से जुड़ा हुआ है वो सीनियर इंस्ट्रक्टर के लिए, और जो बेसिक इंस्ट्रक्टर के लिए है जो है वो बीटेक है, ये दोनों दे सकते हैं। उसके साथ ही बीटेक और एमटेक वाले बेसिक और सीनियर वाले दे सकते हैं, एमसी और बीसी वाले दे सकते हैं। इसके साथ पीजीडीसी की डिग्री अगर स्नातक के साथ है तो आप इसको दे सकते हैं, और उसके साथ अगर स्नातक के साथ पीजीजी से कोई बड़ी डिग्री है जिसके माध्यम से इसको दिया जा सकता है, नो सर, ये सर इसके अंदर केवल और केवल एज ए मास्टर डिग्री ही कर सकते मतलब हैं, एमसीए वाले और एमसीए, एमटेक, एमटेक एमटेक वाले ही दे सकते हैं, मतलब जो सिंपल स्नातक वाला है वो इसको वो इसको नहीं नहीं दे दे सकते। तो सकते। ध्यान रखिएगा, आप केवल अगर स्नातक हैं और आपके पास पीजीसी की डिग्री है तो केवल आप क्या कर सकते हैं, बीसीआई बीसीए की का ही पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं हम लोग कि इसके अंदर जो परीक्षा का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, और उसके साथ ही जो पिछले पेपर का कारण रहा वो भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, और अब तैयारी करने वाले लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कारण तो हमने अभी आपसे चर्चा कर ली थी कि पेपर का स्तर जो जी था सर, वो थोड़ा अधिक था, इस वजह से पाठ्यक्रम क्रम निर्धारित नहीं था। मैंने आपको बताया पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं था कि किसमें से कितने प्रश्न आएंगे, और अचानक 40% का दायरा लगा दिया गया जो कि विज्ञप्ति में नहीं दिया गया था, ये भी कोर्ट केस का कारण रहा इस वैकेंसी के लंबे खींचने का। तो ये तीनों कारण था, इस वजह से ये जो पुरानी वैकेंसी थी इसमें पद कम प्राप्त हुए, या हम कहें लोग जो लगने वाले थे वो कम लग पाए, मतलब आधे ही पदों पर भर्ती हो पाई। अब हम देखते हैं ये तैयारी करने वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप भी अगर वीडियो से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आप ये चाहेंगे कि हम ये बताएं आपको कि क्या क्या ध्यान रखना है आपको। तो मैं सुनील से पूछना चाहूंगा कि क्या ध्यान रखना चाहिए आपको, अगर कोई नया बंदा इसके बारे में सोच रहा है जिसने अभी तक पीजीडीसी नहीं किया या करा हुआ है या पिछली बार वैकेंसी दिया था, तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए अपने सिलेक्शन के लिए। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इसके अंदर था सर, इसका बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो लेवल है और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर उसका लेवल को देखते हुए ये होना चाहिए कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, आपको सिलेबस को पूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए सर। उसके बाद के अंदर सर आपको सिलेबस के बाद में आपको पूर्ण रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि जो इसके अंदर जो पार्ट वन, प्लस पार्ट टू, दोनों के अंदर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पार्ट वन और पार्ट टू है उसके अंदर जो विभाग विभाजन जो किया गया है, वो विभाजन आपको ध्यान रख के पढ़ना चाहिए। और सबसे बेस्ट जो इसके अंदर आपको दोनों के अंदर ये देखना चाहिए कि जो बेसिक, जो हमारे सर हैं वो आपको रेगुलर यही कहते रहते हैं कि आप बेसिक पे ध्यान दीजिए, बेसिक पे ध्यान दीजिए, बेसिक पे ध्यान दीजिए। तो मैं इसको आपको कहना चाहूंगा, जो पार्ट वन था उसके अंदर रीजनिंग आई थी, उसके बाद के अंदर जो सेकंड पोर्शन था वो था जीके का, प्लस साइंस आई थी, उसके बाद के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये था और करंट जीके आई थी। तो आपको प्रॉपर इसके अंदर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रीजनिंग थी, बच्चों ने ये सोच के रखा था कि बेसिक लेवल की आएगी, बेसिक लेवल की आएगी, बट जो इसके अंदर आया था वो जो कि बहुत हार्ड लेवल की दे दी गई थी। और जीके जो कि जो सेकंड पार्ट जो था वो अपना था कंप्यूटर का, सेकेंड पार्ट था कंप्यूटर का। तो बच्चों ने ये जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि टेक्निकल डिग्री से जो भी थे, जो टेक्निकल डिग्री जो थे, उन्होंने ऐसा सोचा था कि कंप्यूटर के अंदर मार्क्स कर लेंगे, बट जो फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पेपर के अंदर थी जो राजस्थान जी के थी और रीजनिंग थी, उन्होंने ये सोचा था कि सेकेंड में स्कोर कर लेंगे बट फर्स्ट में स्कोर नहीं करेंगे, फर्स्ट में कम स्कोर करके अपन हो जाएंगे एडजस्ट। बट जो 40% वाला जो रूल था,
40% वाला जो रूल जा उसके अकॉर्डिंग, जो ऐसा हुआ था कि जो टेक्निकल डिग्री वाले थे जो वो पार्ट सेकंड के अंदर रह गए थे, और जो नॉन टेक्निकल वाले थे पार्ट फर्स्ट के अंदर, और जो नॉन टेक्निकल वाले थे वो पार्ट सेकंड के अंदर रह गए थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर सबसे जो बेस्ट चीज है वो आपको बेसिक पे ध्यान रखना चाहिए, और उसके बाद के अंदर आपको जो आपको मैं सेकंड पेपर ये बताना चाहूंगा, जो सेकंड पेपर का जो पार्ट है वो आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ इसके अंदर आई थी पैडागोजी। पैडागोजी के अंदर अपने ऐसा हुआ था कि जब इसके अंदर कुछ भी डिसाइड नहीं करा था कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना क्या आया था, तो पैडागोजी के अंदर इसके अंदर आए थे 5 से लेकर 6 क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अंदर केवल पैडागोजी लिखा था, तो इन्होंने ये इसका स्तर कोई भी निर्धारण नहीं करा था। और सेकेंड जो इसके अंदर आई थी रीजनिंग, इसके बाद में आया था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद आया था डाटा प्रोसेसिंग जो कि अपना एमएस ऑफिस होता है, उसके बाद आया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो ये जो टॉपिक है ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है इसके अंदर ऐसा है कि सब बच्चे ये सोचते हैं कि प्रोग्राम वगैरह पूछे जाएंगे, बट इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम वगैरह नहीं पूछा गया था, बट बेसिक इसकी जो नॉलेज थी वो पूछी गई थी। बच्चे इसके अंदर फंस के रह गए थे क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा लिखा गया था जिसकी कोई हद नहीं है। और सेकेंड इसके बाद है डीआई, उसके बाद में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है जो कि है अपना नेटवर्किंग, और उसके बाद है नेटवर्क सिक्योरिटी जो कि कंप्यूटर नेटवर्क का ही पार्ट है, उसके बाद है डीबीएमएस सिस्टम एनालाइज एंड डिजाइन, और इंटरनेट ऑफ थिंग जो कि नेटवर्क का ही पार्ट है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सिलेबस है वो एज अ टेक्निकल सिलेबस है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसका जो है जो मेन जो मैंने पूरा जो इसके अंदर ध्यान रखा गया था वो था कि बेसिक अपनी अच्छी स्ट्रांग कर लो। बच्चों ने क्या करा था इस जगह कि बच्चे क्या कर रहे थे कि इसके अंदर इतना घुस गए थे सिलेबस के अंदर कि वो वापस निकल ही नहीं पाए थे उसके अंदर से, क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर क्या होता है कि जो मैंने अधीनस्थ बोर्ड का जो पैटर्न देखा है मैंने वही फॉलो करा था। अधीनस्थ बोर्ड का ये था कि आपको बेसिक पे ध्यान रखना चाहिए, ये हमारे सर भी रेगुलर हमारे कहते जाते हैं कि बेसिक पे ध्यान रखो बेसिक पे ध्यान रखो, जो बेसिक ही पूछा गया था यहाँ पे। सर, ये कुल मिलाकर हम बात करें तो सिलेबस के पार्ट वन और पार्ट टू को आपको इक्वली तैयार करना है, उसके साथ ही जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो इस प्रकार का है आजकल। देखिए, अब जो प्रश्न है वो एक प्रश्न नहीं आता, अब एक प्रश्न के अंदर 6 प्रश्न आने लग गए हैं। तो हमें तैयारी करते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आ रही है, उन सभी को याद करते हुए आगे चलना है। चलिए, ये सिलेबस हो गया आपका, और पार्ट टू का जो डिवाइडेशन है वही है कि 100 मार्क्स है, 2 घंटे का समय है, वही 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि अभी जो हमारा नया नियम आया है, आप सभी को पता है कि कुछ नियम में संशोधन किया गया 5-7 दिन पहले, उसमें कंप्यूटर सेक्टर में भी कुछ चेंजेस हुए हैं दोनों ही में, तो उन दोनों की चर्चा कर लेते हैं। तो वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशक के पदों की प्रतियोगिता परीक्षा स्कीम पाठ्यक्रम में स्पष्ट है, विद्यमान क्रम 5 में उसकी प्रविष्ट के पश्चात शीर्ष प्रश्न पत्र 1 में प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम विस्तार विवरण पूर्व लिखित संख्या क्रम संख्या 6 में प्रविष्ट की जाएगी, स्थापित की जाएगी। अब ये 6 जो है, देखिए पहले इसमें 6वां पद नहीं था, मैंने आपको बताया भी था पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले कि पहले ये कहीं नहीं लिखा था कि 40% जो है उसको लाना अनिवार्य है। इसी वजह से कोर्ट केस में गई वैकेंसी, बहुत सारे विवाद हुए, इसी को देखते हुए इन्होंने ये यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया है, पॉइंट नंबर 6 इसके अंदर जोड़ दिया है। पॉइंट नंबर 6 क्या है कि न्यूनतम 8 अंक 40% होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको पेपर के अंदर 40% बनाना जरूरी है, और उसके साथ एससी और एसटी जनजाति जो है हमारी, उनके लिए 5% का शीतलन, मतलब वो 35% वाले भी अलाउ होंगे। कुल मिलाकर अगर 35% हो गए उनके तो वो अलाउ हो जाएंगे एग्जाम के लिए। उसके बाद देख ले, प्रश्न पत्र 2 में विद्यमान क्रम संख्या 5 के क्रम संख्या 6 को पुनर्स्थापित किया जाएगा, विद्यमान क्रम संख्या 4 की प्रविष्टि के पश्चात पुनः संख्या क्रम के पूर्व में नहीं लिखित नया क्रम 5 में उसकी प्रविष्टि अंत स्थापित की जाएगी, अर्थात न्यूनतम 8 अंक 40%। तो कुल मिलाकर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में ही आपको 40% लाना अनिवार्य है, और एससी एसटी वाले हमारे जो साथी हैं उनको 35% लाना अनिवार्य है, शीतलन उनको दिया गया है। ऐसे ही बेसिक कंप्यूटर निदेशक की बात कर लें तो इसके अंदर भी वही चीज का जो है संशोधन प्रस्तुत किया गया है। तो नया नियम आने के बाद फायदा क्या है और नुकसान क्या है? नुकसान तो यह है कि अब कोई भी कोर्ट में नहीं जा पाएगा, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट रूप से 40% का नियम दे दिया। फायदा यह है
कि जब 40% नियम नहीं था तो बहुत सारे लोगों ने तैयारी को सीरियस नहीं लिया और उनके 40% नहीं बने। अब वो इस तैयारी को सीरियस लेंगे और निश्चित रूप से उनके 40% से ऊपर बनने वाले हैं और वो आसानी से अपना पद प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी विवाद के। इसमें बहुत सारे विवाद रहते पिछली वैकेंसी में, तो वो विवाद अब नहीं होने वाला। तो ये जो है संशोधन प्रस्तुत हुआ। इसके अतिरिक्त कुछ और जो बता सके आपको सुनील? सर मैं इसके अकॉर्डिंग जो संशोधन हुआ है, तो सर संशोधन का एक बहुत बड़ा एक जो संभावित जो ये चीज है कि नए पद आने की इसके अंदर बहुत अतिरिक्त संभावना बन रही गई है। और ये मैं कहना चाहूंगा कि जो नियम जो पिछली बार जो ये जो 40% वाला रूल था, इसके अकॉर्डिंग सर ये हुआ था कि जो पद सर इसी के अकॉर्डिंग खाली गए थे सारे के सारे। और सर ये भी हुआ था कि जो SC और ST जो पद थे उसके अकॉर्डिंग ये हुआ था कि जो 35% थे इन्होंने ये करा था सर, इनको पता भी नहीं था जो रूल के अंदर लिखा गया था, जो कि अभी संशोधन किया गया है। ये जो 40% सर मैं ये कहना चाहूंगा जो भी अधीनस्थ बोर्ड की जो भी भर्तियां हैं, ये 40% को मद्देनजर रखते हुए आप तैयारी करो सबसे पहला। और सर जो ST SC के लिए है वो 35% है, तो मैं इन जो रूल जो भी इनमें संशोधन किया गया है उसको देखते हुए यही है कि संभावित आने वाली भर्तियों के अंदर 40% तो रहेगा रहेगा। और सर ये अंदाजा लगाया जाता है कि नई नई भर्ती जो है वो कुछ ही समय के अंदर आने वाली है। बिल्कुल निश्चित रूप से आएगी। और ये जो 40% का रूल है ये होना भी इसलिए चाहिए क्योंकि देखिए जब शिक्षक मिले तो थोड़ा सा इस प्रकार का मिले जो योग्य हो, जो बेसिक चीजें उनको आती हो। कई बार ऐसे कैटेगरी में बहुत सारे शिक्षक मिल जाते थे, जैसे RPSC का पुराना इतिहास रहा है, जो माइनस वाले भी नौकरी लगे हुए हैं, आज भी वो नौकरी कर रहे हैं, तो वो कैसे उन बच्चों का भला कर पाएंगे। तो ये जो 40% वाला नियम है ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और होना भी चाहिए। मेरी नजर में होना चाहिए, हो सकता है किसी के लिए नहीं होना चाहिए, बट मेरी नजर में तो ये सही है ताकि ऐसे योग्य व्यक्ति हमारे जो है नौकरी में आ सके बच्चों का भला करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं हम लोग कि इसके बाद जो हमने चर्चा की थी कि इसका वेतन कितना रहने वाला है, वेतन के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब परीक्षा पैटर्न की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पेपर के अंदर आपको रीजनिंग मिलेगी, साइंस मिलेगी, GK मिलेगी और मैथमेटिक्स मिलेगी, उसके साथ करंट, मतलब जो 100 अंकों का मैटर है उसमें ये 5 पोर्शन आपको मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से पार्ट टू के अंदर आपको रीजनिंग मिलेगी, कंप्यूटर मिलेगा और पेडागोजी, पेडालोजी, पेडालोजी मतलब शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए आप सभी को पता है कि ये शिक्षक ही है एक तरीके से, बिना बीएड किए हुए कंप्यूटर शिक्षक है, तो इनको शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए कि जब आप बच्चों को कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हैं तो किस प्रकार से ट्रीट करना है, कोई बच्चा किस प्रकार से अगर रिएक्ट कर रहा है तो उसको किस प्रकार से संभालना है, उन सारी चीजों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं हम लोग कि इसका वेतन क्या रहने वाला है। वेतन के बारे में बता दूं कि जो हमारा SCI है, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, ये L10 का है जो अभी पहले भी बताया मैंने, और BCI है जो कि L8 का है। तो कुल मिलाकर एक अच्छा वेतन प्राप्त होता है इसमें। पहले 2 साल जो है एक फिक्स पे मिलता है, उसके बाद जो है आपके पद जो है वेतन बढ़ा दिया जाता है। तो ये सारी जानकारी लेकर हमारे साथ आज जो उपस्थित थे हमारे साथी श्री सुनील जहांगीर, में उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे जो साथी हैं जो तैयारी करने वाले हैं उनको जो है लाभान्वित किया और आगे भी लाभान्वित करते रहेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। माँ सरस्वती आप सभी को जो है जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का आशीर्वाद दे। इसी शुभकामनाओं के साथ बसंत पंचमी की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।